हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भाई उपेंद्र पांडे। गाइज, मैं जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर्स 4 वाले में जिग्स एंड पिक्चर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग को पिक्चर्स के प्रकार आप लोग को देखेंगे, ठीक, इसका किस बेस पे आधार होता है और वेल्डिंग पिक्चर्स क्या होते हैं आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पिक्चर्स पिक्चर्स के प्रकार, ठीक, यानी पिक्चर्स, जैसा कि आप लोग को जिग्स और पिक्चर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एक प्रकार से किसी भी कारखंड को पकड़ने के लिए हम जिग्स एंड पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। जिग्स क्या करता है, पिक्चर्स यानी कारखंड को पकड़ने के लिए, और उससे जो टूल होता है उसको ऑपरेशन करने यानी दिशा भी निर्देश करता है। जबकि क्या करता है पिक्चर्स, क्या होता है कि पिक्चर्स केवल क्या करता है, किसी भी कारखंड को पकड़ने के लिए ही पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे एक 10 प्रकार से होते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे आपके सिलेबस में मिलिंग पिक्चर्स है, ठीक, ब्रोचिंग पिक्चर्स है, और आप लोग का इंडेक्सिंग पिक्चर्स है, और बोरिंग पिक्चर्स है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इसके 4 प्रकार से और वेल्डिंग पिक्चर्स है, इसके बारे में 5 प्रकार से पिक्चर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट आता है मिलिंग पिक्चर्स। मिलिंग पिक्चर्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर किसी भी कारखंड को मिलिंग करने के लिए, ठीक, मिलिंग करने के लिए मिलिंग कटर का प्रयोग यानी मिलिंग क्रिया करने के लिए हम मिलिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार से हम किसी कारखंड को मिलिंग क्रिया करने के लिए, जिस कारखंड को पकड़ने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किस क्या होता है, पिक्चर्स का, पिक्चर्स कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को हम देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से, मिलिंग क्रियाओं के अंतर्गत कारखंड को मिलिंग कटर के सापेक्ष सही स्थिति में पकड़ने के लिए मिलिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। तो कब किया जाता है, तो मिलिंग क्रियाओं के अंतर्गत, यानी मिलिंग कटर का जब सापेक्ष गति किया जाता है यानी यूज़ किया जाता है किसी भी कारखंड में ऑपरेशन करने के लिए, तो जो कारखंड हो गया उसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मिलिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, इनके एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, आधार होते हैं, रेस्ट ब्लैक होता है, और क्लैंप होता है, और स्थान निर्धारित अवयव होता है। ठीक, यहाँ पे आधार क्या होता है, यह मिलिंग पिक्चर्स का निचला अंग होता है, यानी जो एक प्रकार से उसका बेस होता है या निचला भाग होता है, इसका तल शुद्ध चपटा होती है, यानी जो एक प्रकार से मिलिंग, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो पिक्चर्स होता है, ठीक, मिलिंग पिक्चर्स होता है, एक प्रकार जब सभी चीज़ों का यानी किसी भी चीज़ों का एक प्रकार से चपटा रूप से होता है, ठीक, तो उन्हीं चीज़ों का होता है, अतः इस पर पिक्चर्स के अवयव आरोपित होते हैं, जो एक प्रकार से यानी जो अवयव होते हैं प्रकार से, ठीक, वो उनमें क्या होता है, आधार पर ही सारी चीज़ें फिक्स की जाती है। नेक्स्ट आता है तो क्लैंप। क्लैंप क्या होता है, इसके द्वारा पिक्चर्स के बांधने की सामान्य क्लैंपिंग विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक मिलिंग पिक्चर्स का स्टेप क्लैंप द्वारा पकड़ने की विधि होती है, यानी हम कह सकते हैं कि क्लैंप, जो क्लैंप यानी पिक्चर्स होते हैं, ठीक, पिक्चर्स जो एक प्रकार से कारखंड होते हैं, कारखंड को बांधा जाता है पिक्चर्स में, पिक्चर्स के माध्यम से, ठीक, तो उसको पकड़ने के लिए, एक प्रकार से हम बांधने के लिए कारखंड को क्लैंप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कहता है तो रेड ब्लॉक क्या होता है। रेड ब्लॉक क्या होता है, वह होता है कि कारखंड को पिक्चर्स के आधार पर सहारते हैं, जो कारखंड हो गया पिक्चर्स के आधार पर सहारते हैं, और रेड ब्लॉक कारखंड के आधार तथा साइज के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं, परंतु सामान्यतः पिंच कोड प्लेट या आकार में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो कारखंड की साइज और आकार होता है उनकी भांति, यानी एक प्रकार से कितना मोटा है, ठीक, उन्हें किस प्रकार से डिजाइन करनी है, ठीक, तो उनके अंतर्गत मिलिंग पिक्चर्स के यानी पिक्चर्स के अंतर्गत रेड ब्लॉक का अंतर्गत कहता है। नेक्स्ट कहता है तो स्थान निर्धारण अवयव। स्थान निर्धारण अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, कभी कभी पिक्चर्स में मेज पर बांधने वाली क्लैंपिंग युक्तियों का समान निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए पिक्चर्स को अधिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए स्टाफ का प्रयोग करना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जब मिलिंग पिक्चर्स यानी किसी भी कारखंड पे कारखंड को बांधा जाता है, तो एक प्रकार से मेज पर ही पिक्चर्स का प्रयोग करते यानी कसते हैं, कसने के बाद हम किसी भी कारखंड को कसते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि मिलिंग पिक्चर्स को कसने के लिए कारखंड यानी मेज पर सही युक्ति नहीं होती है, तो जब सही नहीं युक्ति होती है तो उनका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो स्थिर स्टेप का प्रयोग करती है, यानी एक प्रकार से हम जमीन में उसका प्रयोग यानी मिलिंग पिक्चर्स को फिक्स करके, किसी कारखंड को फिक्स करके यानी बांध करके उस पर ऑपरेशन किया जाता है। ठीक, वही चीज़ दर्शाया गया। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मिलिंग पिक्चर्स के अवयव, मिलिंग पिक्चर्स क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में आओगा। नेक्स्ट कहता है तो मिलिंग पिक्चर्स के घटक कौन कौन से होते हैं। मिलिंग पिक्चर्स के घटक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कहता है कंपन और चपेट पर अवशोषित करने के लिए, यानी फ्रेम, एक प्रकार
प्रकार से हम कह सकते हैं, तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ से होता है, कंपन और चपेट प्रकार से अवशोषित करने के यानी सोखने के लिए। नेक्स्ट कहता है तो पकड़ने के लिए रुच्छ सतहों को जबड़े और क्लैंप के माध्यम से, जो एक प्रकार से कारखंड को पकड़ने के लिए और खुरदरों सतहों पर जबड़े और क्लैंप का प्रयोग करते करके उसे पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट कहता है तो मिलिंग टेबल पर पिक्चर्स के क्लैंपिंग के टैटन और टी बोल्ट के माध्यम से, यानी मिलिंग पिक्चर्स का कहाँ उपयोग किया जाता है बांधने के लिए, तो टेबल पर क्लैंपिंग के माध्यम से हम एक प्रकार से उसे फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट कहता है कारखंड के सापेक्ष कटर की सही लोकेशन और स्थिति में रखने के लिए ब्लॉक, ठीक, यानी जो कारखंड हो गया हमारा उसको सही स्थिति में कटर को लोकेशन करने के लिए एक प्रकार से पिक्चर्स का प्रयोग, ठीक, पिक्चर्स को एक प्रकार से कारखंड को पकड़ने के लिए ही होता है। जो घटक होते हैं, जो कटर होती है, उसको सही लोकेशन प्रदान करता है, दिशा निर्देश करता है। नेक्स्ट आता है तो वेल्डिंग पिक्चर्स क्या होता है, तो वेल्डिंग पिक्चर जैसा कि आप लोगों को किसी भी कारखंड को वेल्डिंग करने के लिए जो युक्ति यानी उसे पकड़ा जाता है, कारखंड को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वेल्डिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। वेल्डिंग करते वक्त किसी कारखंड को जोड़ने के लिए, ठीक, प्रयुक्त पिक्चर्स का सामान्य रूप से यानी एक प्रकार से यूज किया जाता है, तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वेल्डिंग पिक्चर्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से कहते हैं देखते हैं, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, वेल्डिंग द्वारा कारखंड को जोड़ने में प्रयुक्त पिक्चर्स का सामान्य रूप से अवस्थापन एवं क्लैंपिंग का अवयव प्रयोग किए जाते हैं, यानी हम कारखंड को जोड़ने के लिए किसके माध्यम से, तो वेल्डिंग माध्यम से, उन कारखंड को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वेल्डिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है कारखंड को, ठीक। नेक्स्ट कहता है जैसा कि अन्य पिक्चर्स में प्रयोग होते हैं, जैसा कि आप लोगों किसी कारखंड को पकड़ने के लिए पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं, परंतु वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सेल्डरिंग आदि गर्म होते हैं, जोड़ में पिक्चर्स क्रिया के अंतर्गत उच्च ऊष्मा को प्रभाव वेल्डिंग इंस्पेक्टर की आवश्यकता प्रदान किए जाते हैं। वेल्डिंग, ब्रोचिंग, सोल्डरिंग पिक्चर्स का डिजाइन निम्नलिखित विचारणीय होता है, यानी जो पिक्चर्स होता है एक प्रकार से हम वेल्डिंग पिक्चर्स वाला होता है, ये साधारण तौर पर नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे वेल्डिंग पिक्चर्स में एक प्रकार से गर्म गैसें होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए आवश्यक प्रदान कर दी, यानी जो इस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे सोखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इनमें जो एक प्रकार से जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित बातों पर विचार करते हैं, तो वो कौन कौन से गुण होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। पिक्चर्स का निर्माण इस प्रकार करें जिसमें वेल्डेड किए जाने वाले पार्ट को केवल सही अभिन्यास में बांधा जा सके, यानी जो वेल्डिंग पिक्चर्स का कारखंड यानी पिक्चर्स का इस प्रकार बनाया जाए कि जो वेल्डेड यानी कारखंड को केवल सही विन्यास में यानी एक प्रकार से सटीक रूप से बांधा जा सके। नेक्स्ट कहता है तो विरूपण रोकने के लिए क्लैंप के नीचे एक किसी मजबूत सतहों का आवश्यकता होती है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड में जो एक प्रकार से वेल्डिंग करते वक्त नीचे यानी वेल्डिंग किया जाता है, तो कुछ कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल क्या होता है नीचे निकल आता है, तो उन्हें ना निकलने के लिए हम एक प्रकार से सही रूप से यानी चिकने रूप से हम क्या करते हैं, पिक्चर्स का निर्माण करें, ठीक। नेक्स्ट कहता है लोकेटर को सहारा दिया जाना चाहिए, लोकेटर और सहारा दिया जाना चाहिए जिसमें मौजूद मजबूत वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी के कारण कारखंड को ढीला होकर विरूपित ना हो, यानी जो लोकेटर होता है यानी दिशा निर्देश करता है किसी टूल को, उन्हें सही रूप से बनाया जाए, ठीक, यानी जब वेल्डिंग करते वक्त उसमें उत्पन्न होती है तो वो एक प्रकार से पिघले ना पिक्चर्स, ठीक, यानी उसे सही रूप से निर्देशित करे किसी टूल को, ठीक। नेक्स्ट कहता है यानी पिक्चर्स को सही रूप से मजबूत रूप से बनाया जाए, ठीक। नेक्स्ट कहता है तो केवल आवश्यक माप और संपर्क स्थिति होना चाहिए और कठोरता से क्लैंप किया जाना चाहिए, यानी उसे सही मेजरमेंट यानी सही माप के होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है तो वेल्डेड होने वाले सभी पार्ट को सरलता से सूक्ष्म होना चाहिए, यानी जो प्रकार से वेल्ड यानी किसी भी कारखंड को वेल्डेड किया जाता है उन्हें सही रूप से एक प्रकार से सरल रूप से बनाए जा सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, ठीक, यानी जब पिक्चर्स आपका सरल रूप से रहेगा तो कारखंड भी सरल रूप से रहेगा, ठीक, वही बताया गया। नेक्स्ट कहता है जब संभव हो वेल्डिंग क्षैतिज समतल पर किया जाना चाहिए, जो एक प्रकार से वेल्डिंग होना चाहिए कारखंड पे तो किसके माध्यम से होना चाहिए, तो जो क्षैतिज समतल पर होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कारखंड की त्रुटियों को कम करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो एक प्रकार से जिनकी त्रुटियाँ होती है कारखंड को वेल्डेड करते वक्त नीचे कुछ रॉ मटेरियल निकल जाते हैं उनको सही रूप से यानी जो एक प्रकार से प्रावधान होते हैं उन्हें सामान्य रूप से बालू वगैरह हो गया, ठीक, इनके माध्यम से एक प्रकार से सही रूप से पिक्चर्स में लगा कर ही
कार्य किया जाए। नेक्स्ट कहता है कार्खंड को हटाने या फिर से लगाने से पहले जब संभव हुई उतना प्रक्रिया होना जाना चाहिए, यानी एक प्रकार से कारखंड का जब ऑपरेशन किया यानी वेल्डिंग पिक्चर्स किया जाए उन्हें सही रूप से सोख ले, ठीक, नहीं तो पिक्चर्स के बाहर कर दिया जाएगा कारखंड, तो हो सकता है वो टूट भी जा सके, ठीक। नेक्स्ट कहता है तो बड़े या भारी भार मजबूती सहारा जाना चाहिए और तहविस भार उठाने के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो पिक्चर्स हो गए किसी भी कारखंड को पकड़ा जा रहा है, जो बड़े कारखंड हो गए उन्हें पिक्चर्स का सही रूप से हाबिस यानी सही रूप से मजबूती तौर पर पिक्चर्स उसे क्या कहते हैं सहारा जाने वाला होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे वेल्डिंग पिक्चर्स की डिजाइन। वेल्डिंग पिक्चर्स की डिजाइन भारी कटिंग और क्लैंपिंग बलों के लिए नहीं आसान होते, यद्यपि वेल्डिंग प्रक्रिया में उत्पन्न क्रियाओं को कम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, यानी जो वेल्डिंग पिक्चर्स हो गई उसे डिजाइन करने के लिए यानी भारी पदार्थों को एक प्रकार से सही रूप से नहीं फिक्स किया जाता है, बल्कि छोटे मोटे कारखंड को जो छोटे मोटे और वेल्डिंग करने के लिए हम पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे वेल्डिंग पिक्चर्स क्या होता है, ठीक, इसके प्रकार होते हैं, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है तो स्थान निर्धारण अवयव क्या होता है, आप लोग को बताया गया। मिलिंग पिक्चर्स क्या होते हैं और पिक्चर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।